फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको आपके साथ धुली माछ की एक डिफरेंट टाइप की दाल शेयर करने वाली हूँ। इस तरह बनाएंगे तो बहुत खाने में अच्छी खिली खिली बनती है। इसको आप किसी को अगर बुलाए तो दावत के तौर पे भी बना सकते हैं, एक साइड में करने के लिए। कुछ लोग वेज जो प्योर खाते हैं उनके लिए। और ये बहुत ही झटपट बनती है। इसको बनाने का तरीका बहुत ही आसान है और एकदम खिली खिली बनेगी। ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल खिली खिली दाल बनी हुई है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। तो हम लोग को 100 ग्राम टमाटर चाहिए, प्याज चाहिए 70 ग्राम, हरी अदरक कटी हुई जुलियन कट में, हरी मिर्च 3 से 4 और लहसुन 10 ग्राम, मिर्च 1 टी स्पून और रेगुलर मिर्चा 1 टेबल स्पून, 1 तेज पत्ता, काली मिर्च 10 से 12 और चीनी 1 चम्मच। ये धुली माश की दाल है 175 ग्राम। इसको आपको धो के ये चढ़ाना रहेगा, भिगोना बिल्कुल नहीं रहेगा। इसको दाल को धो लिए और 2 कप पानी डाल के हम लोग इसको चढ़ा देंगे सिर्फ 1 सीटी आने तक। मैंने मस्टर्ड ऑयल लिया है, इसको मैंने पका के ठंडा कर लिया है, बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं किया। इसके अंदर हम लोग अपना लहसुन डाल देंगे कद्दूकस करके और फिर गैस ऑन करेंगे इंडक्शन, और ये जो हल्का सा अपना फ्लेवर छोड़ देगा। फिर इसके अंदर हम लोग प्याज डालेंगे और इसको हल्के से लाल करेंगे, गुलाबी नहीं करना है, लाल करना है। ये देखिए हमारी प्याज हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग टमाटर डालेंगे और टमाटर डालने के बाद हम लोग अपने सारे सूखे मसाले डाल देंगे। ये देखिए, और ये भून गया, हरा मिर्चा भी डाल दिया था हमने। अब इसके अंदर 1 कप पानी डाल के इसको हम लोग ढक के इसको गलाना रहेगा ताकि अच्छे से टमाटर गल जाए प्याज। ये देखिए ये सब गल चुका है। अब हम लोग इसके अंदर अपनी अदरक डालेंगे कटी हुई, और अब इसके अंदर हम लोग अपनी दाल डालेंगे। ये देखिए दाल बिल्कुल खिली खिली है, गली बिल्कुल नहीं है। और इसको अच्छे से चलाएंगे और इसका पानी सुखा देंगे, तेज आंच पर सुखाएंगे पानी को। एकदम सूखी सूखी रहेगी, खिली खिली बनती है तो खाने में बहुत ही अच्छी लगती है। अब इसका तड़का लगाने के लिए हम लोग 1/4 कप घी लेंगे, देसी घी है ये। और ये देखिए ये है दखे, ये है हींग, ये मेरी ड्राई वेट वाली है, ये दक्षिणी राई है 1/4 टीस्पून, ये जीरा है 1/4 टीस्पून, 1 लाल मिर्च और ये जो मैंने मिर्चा लिया था उसका हाफ है। हाफ मैंने मसाले दाल में डाला था, हाफ मैं तड़के में डालूंगी। सबसे पहले हम लोग जीरा डालेंगे, और जीरा पॉप करने लगेगा तो इसके अंदर राई डाल देंगे। दखनी राई का फ्लेवर अलग होता है और राई का फ्लेवर अलग होता है। 1 लाल मिर्च और ये रेड चिली पाउडर, इससे क्या होता है कलर बहुत अच्छा आता है तड़के का दाल के ऊपर। और हम लोग दाल के ऊपर ये तड़का डाल देंगे, उसको ढक देंगे ताकि फ्लेवर उड़े नहीं, इसी के अंदर रहे। और ये देखिए ये मैंने डिश आउट कर लिया है, हरी पत्ती, हरी धनिया की पत्ती से इसको गार्निश करेंगे। दिखने में बहुत ही अच्छी लग रही है, बहुत ही सिंपल है, जल्दी बनती है क्योंकि दाल को गलने में बिल्कुल टाइम नहीं लगता। तो आप इसको जब भी चाहे बना सकते हैं। तो आई होप आज की आपको छोटी सी रेसिपी पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।